हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ समरपुली ब्लाउज की बैकनेक की एक डिज़ाइन, जो कि सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समरपुली ब्लाउज के बैकनेक की डिज़ाइन बनाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और सिंपल है, जो कि हमारे पास बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं संबलपुरी ब्लाउज़ बैकनेक के डिज़ाइन के बारे में। तो आज इस संबलपुरी ब्लाउज़ के बैकनेक की बहुत ही सिंपल तरीके से एक खूबसूरत सा बैकनेक हम बनाते हैं। जैसे संबलपुरी ब्लाउज़ के बैकनेक की डिज़ाइन के बारे में बातें आती है, तो फिर इसमें बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि हम अगर सर्च भी करें मोबाइल में, तो भी बहुत ही कम ऑप्शन मिलते हैं ब्लाउज़ बैकनेक के डिज़ाइन के बारे में। तो इसलिए हमें खुद को आइडिया लगाना पड़ता है कि जैसे कि कस्टमर लोगों के कहना होता है, जैसे उनकी मांग होती है कि संबलपुरी ब्लाउज़ बैकनेक की डिज़ाइन एक सिंपल डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हैवी डिज़ाइन बनाते हैं तो सब में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सिंपल डिज़ाइन ब्लाउज़ बैकनेक की सिंपल डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे कि संबलपुरी ब्लाउज़ की। तो इसलिए इसमें सिंपल डिज़ाइन एक मैं इसमें लेकर आई हूँ। ऐसे बहुत और भी डिज़ाइन है मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में आप और भी देख सकते हैं, ऐसे सिंपल सिंपल डिज़ाइन है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन में क्लिक कर देना, ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ये संबलपुरी ब्लाउज़ बैकनेक की एक सिंपल सी डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है और इजी तरीके से बनकर रेडी भी हो जाता है। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप भी अपने लिए बनवाना चाहते हैं एक सिंपल सी ब्लाउज़ बैकनेक की डिज़ाइन, जो कि संबलपुरी ब्लाउज़ की बैकनेक की डिज़ाइन अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो आप इसमें से आइडिया लेकर आप बना सकते हैं। और आप बनवाना भी चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट लेके आप बनवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी डिज़ाइंस हैं इस चैनल में, आप उसमें से भी कोई डिज़ाइन के आइडिया लेकर भी आप बनवा सकते हैं। जब संबलपुरी ब्लाउज़ की बैकनेक की डिज़ाइन की बातें आती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर हम बनाना चाहेंगे तो फिर ये खुद के आइडिया लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सर्च भी करें, जैसे पहले बताया था कि अगर हम सर्च भी करें तो उसमें से कुछ खास आइडियाज़ नहीं मिलते, खास डिज़ाइन भी नहीं मिलते, तो खुद को आइडिया लगाना पड़ता है और इसमें डिज़ाइन बनवाना पड़ता है। तो ये सिंपल भी होना चाहिए और एक खूबसूरत न्यू लुक भी होना चाहिए। सबको पसंद है कि एक न्यू लुक, न्यू डिज़ाइन हो। तो इसी तरह से हम हर बार ट्राई करते हैं कि एक नई डिज़ाइन लेकर इस वीडियो में, इस चैनल में हम लेकर आएँ। अगर आप ऐसे ही डिज़ाइंस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज़ एक नई वीडियो नए आइडिया के साथ, नए डिज़ाइन के साथ आता रहेगा। आई एम श्योर आपको ये डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। इस चैनल में आपको फैब्रिक से रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइंस देखने को मिल जाएगा, जो कि हर एक लेडीज़ डिज़ाइन जो होता है फैब्रिक से रिलेटेड सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ब्लाउज़, फ्रॉक, लहंगा, सलवार, ऐसे बहुत सारे लेडीज़ हर एक लेडीज़ डिज़ाइन इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। संबलपुरी ब्लाउज़ की जो बॉर्डर होती है, उसके हमने कलियों के हिसाब से हमने उसे कट करके पूरे राउंड में, आप देख सकते हैं पूरे राउंड में मैंने उस कली को अटैच कर दिया है, और 2 इंच के हमने माप लेके उसकी छोटी छोटी कट करके हमने ऐसे फोल्ड करके पूरे राउंड में उसी को एक साइड में हमने इसको कली को बैठा दिया है। कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और इजी तरीके से बनकर रेडी होता है। हमने एक साइड में इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि दूसरे साइड में तो पल्लू रहेगा, है ना, तो इसलिए एक साइड में बना रहे हैं। और इसमें हम पूरे राउंड में ऐसे
पूरे नीचे तक हमने इसको बनाकर रेडी कर दिया है। कलियों को ऐसे फोल्ड करके तो हमने एक कली को फिर से पूरे राउंड में ऐसे सेव के करके हम फोल्ड करके इसको अटैच कर देंगे। इसे अटैच करने के बाद ये फिनिशिंग करने के लिए, इसको फिनिशिंग करने के लिए हमने मोतियों को इसमें अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं इस मोती को हमने ऐसे ऊपर की तरफ हम सुई धागा के मदद से हम इसे अटैच करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अब तो इसे फिनिशिंग करने के लिए हमने सुई धागा के मदद से हम मोतियों को अटैच किए हैं। ऐसे जब हम मोतियों को अटैच करते हैं तो ये बहुत और भी, इसके लुक और भी प्रीटी लगता है। तो इसीलिए हमने सुई धागा के मदद से मोतियों को अटैच किए हैं। आप देख सकते हैं पूरे राउंड में हमें इसे, जो हमने कलियां बनाए हैं उसमें हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड में हम मोतियों को देख सकते हैं अटैच कर चुके हैं। ये फिनिश हो गया है। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा ये डिज़ाइन। एंड तक देखने के लिए थैंक यू।